بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। वकाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मकामिन आखर شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اے ماہ رمضان اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان तेरा आना मुबारक हो। ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोजे रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरआन तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का महीना है तू बख्शिश का खजीना है। तू रहमत का महीना है तू बख्शिश का खजीना है। झड़ जाएंगे गुनाह बढ़ेंगी नेकियां तेरा आना मुबारक हो। ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहाना हो व ताला दी जात खास वास्ते। दरूदो सलाम आकाए दो जहां सरवरे कौलो मका हामिले फुरका साहिबे कुरआन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते। अल्लाह रब रहमान दा जितना भी शुक्र अदा कीता जाए यकीनन कम है कि जिस मालिक ने साढ़े जैसे गुनागारा नू एक मरतबा फिर रमजान उल मुबारक दा बाबरकत महीना नसीब फरमाया। दुआ है कि जिस तरह रमजान उल मुबारक दा सानू हक अदा करना चाहिदा है अल्लाह ताला सानू उसे तरह रमजान उल मुबारक दा हक अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। यकीनन उम्मते मुहम्मदिया वास्ते बहुत बड़ा अल्लाह दी तरफों इजाद और इनाम है कि जिस मालिक ने साल बाद सानू रमजान उल मुबारक दा ए मुकद्दस महीना नसीब फरमाया। मैं हमेशा एक जुमला कहा करना कि लोग ते कहते ने ना कि रमजान दा महीना एक मेहमान है,
लेकिन मैं कहा करना कि मेहमान रमजान नहीं बल्कि मेहमान इंसान है। क्यों कि मेरे पैगंबर अली ही सलात व सलाम दी शरीयत तो लैके आका अली ही सलात व सलाम दी जाते गिरामी थे जिस वक्त आसमान तो अल्लाह ने रोजे फर्द किए उदों तो लैके अज तक और अज तो लैके क्यामत दियां दीवारां तक रमजान हर साल आएगा अल्लाह दी तौफीक दे नाल। लेकिन पता इंसान दा नहीं कि पता नहीं अगले साल सानू रमजानुल मुबारक दा महीना नसीब होवे या ना होवे। इस करके मेहमान इंसान है। अल्लाह अकबर अल्लाह सानू जिन्ना भी हो सकता है इस महीने तो फायदा हासिल कर लईए, जिन्ना भी हो सकता है इस माहे मुबारक दे अंदर अपने अल्लाह नू राजी कर लईए। वेखो ना आका अली ही सलात व सलाम नू सवाल कीता गया कि ए अल्लाह दे नबी जराबे मुहम्मद, इंज नहीं जरा प्यार नाल मोहब्बत नाल गूंज पा दियो, रमजान दा महीना बरकतां वाला सुभान अल्लाह अजमतां वाला महीना, ते जिन्नियां नेकियां करोगे अल्लाह पता नहीं किन्ने गुना ज्यादा सानू अजरो सवाब अता करेगा। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू सवाल कीता गया, हुजूर जरा ए ते इरशाद फरमाओ दो बंदे ने ते दोवे बड़े नेकोकार बड़े ज्यादा निमाजी बड़े ज्यादा अल्लाह नू राजी करने वाले, हुजूर एक पहले फौत हो गया ते एक फिर अगले साल फौत होया, ते जरा ए फरमा दियो इन्हां दोवां दे अंदरों ज्यादा मुकाम किंदा ज्यादा है। आका ने फरमाया कि यकीनन उस बंदे दा मुकाम ज्यादा है जेड़ा बाद दे अंदर फौत होया। हुजूर ओ क्यों? फरमाया उंदी जिंदगी दे अंदर एक रमजान दा महीना और आ गया, उन्हें अपनी जिंदगी दे अंदर एक रमजान दा महीना और हासिल कर लिया, ते पहले नालों ज्यादा उन्हें नेकियां करके अपने अल्लाह नू राजी कर लिया। आओ खुश नसीबो रहमानिया मस्जिद दे अंदर आने वाले हो, कितने असी खुश नसीब हाँ कि अल्लाह ने सानू रमजान जैसा अजीम महीना नसीब फरमाया। दुआ कर लो कि अल्लाह सानू इंदी सही माने दे अंदर कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। आओ जरा मैं रमजानुल मुबारक दे मुतालिक अहकामो मसाइल और रोजे दे मुतालिक जेड़े जितने भी मसाइल ने अल्लाह दी तौफीक दे नाल बयान करना चाहना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया अपनी जबाने नबुवत तो ऐलान फरमा दियो, रहमानिया वालिया महीना आ गया अल्लाह नू मनान वाला, असी गुनाहगार बड़े ज्यादा असी सियाकार बड़े ज्यादा, साढ़े तो बढ़ के गुनाहगार कोई नहीं साढ़े तो बढ़ के पापी कोई नहीं साढ़े तो बढ़ के सियाकार कोई नहीं, रहमतां वाला महीना आ गया बख्शिश वाला महीना आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह ए ओ माहे मुबारक जिस विच रोज होवे मुनादी, आओ लोगो पज पज लुटो सुभान अल्लाह, आओ लोगो पज पज लुटो रहमत पाक खुदा दी, ते ए ओ माहे मुबारक जिस विच शबे कदर आई, एक हजार महीने नालों एक हजार महीने नालों वध के रब बनाई। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा ऐलान फरमा दियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून।
सुबहान अल्लाह, कुरान सुन के सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना। और वैसे भी पैगंबर अली ही सलाम दी हदीस है ना, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहिंदा है, अल्लाह ताला उस बंदे वास्ते जन्नत दे अंदर एक दरख्त लगा देंदे ने। ओ दरख्त इतना बड़ा होएगा उकाड़विया अरबी नस्ल दा कोड़ा, अगर उस दरख्त दे नीचे 500 साल तिकर पजदा रवे नसदा रवे उस दरख्त दी छां नहीं मुक सकदी। सुभान अल्लाह, आंदा जाई जरा जन्नत दे अंदर अपने दरख्त लगवांदे जाया जे। अल्लाह फरमांदे ने या अय्यो अल्लज़ीना आमनो, जेड़ा ईमानदार है वह बोले या अय्यो अल्लज़ीना आमनो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ओ लोगो तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने, तुहाडे ते रोजियां नूं लिख दिता गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम, जिवें तुहाडे तो पहले लोगां ते असी रोजे फर्ज कीते, फिर रोजे फर्ज करन दा मकसद की है? अल्लाह फरमांदे ने ला अल्लकुम तत्तकून, ताके तुसी तकवे वाले बन जाओ, ताके तुसी परहेदगार बन जाओ, ताके तुसी अल्लाह दे कोलों डरन वाले बन जाओ। सादे लफ्जां दे अंदर इंज कह लो, ओ चोरा चोरी तो बाद आ जा, रमजान दा महीना आ गया डाकियां तो बाद आ जा, सूदी कारोबार करन वाले आ सूदी कारोबार तो बाद आ जा, हराम खान वाले आ हराम खोरियां तो बाद आ जा। हुण ते वेख लो माशाल्लाह साडे मुसलमाना दी हराम खोरी तो मैं सदके जावा, अल्लाह मेरी तौबा। और जेड़ा 10 किलो दा आटे दा थैला अज तो 4 दिन पहले 650 दा, ऐ मुसलमान है कि जिन्हें जनाब रमजान दी आमद ते लोगां वास्ते एडा दिल खोलिया कि 650 दा आटे दा जेड़ा थैला उन्हू 1200 तक पहुँचा दिता, और जेड़ा फल कल 100 रुपये सी अज 300 किलो करके, ते असी आने असी मुसलमान है। इंज दी मुसलमानी दा सानू रब नू कोई जरूरत नहीं। ओए गैर मुस्लिम तुसी देख लो, दुनिया दे उत्ते नज़र दौड़ा लो, सऊदी अरब ने चीज़ा 30% सस्तियां कीतियां ने, तुर्की ने चीज़ा 40% सस्तियां कीतियां ने। दूर ना जा, सिंध दे अंदर एक सिख दे बारे मैं पढ़ रहा सी, उंदी दुकान है सिख दी, गैर मुस्लिम दी दुकान है, ते उन्हें अपनी दुकान ते जड़ियां चीज़ा उन्हों अद्धी कीमत ते फरोख्त करना शुरू कर दिता। नाल उंदे अल्फाज़ ये ने कि मुसलमाना वास्ते खुशियां दा महीना है, मैं रमजान दे महीने अंदर कमाई नहीं कर, एक सिख कह रहे है कि मैं रमजान दे महीने अंदर मुनाफा खोरी नहीं कर सकता, और वाह मुसलमान मैं तेरी मुसलमानी ते अफसोस करा, अल्लाह मेरी तौबा। और जेड़ी चीज 100 दी है उन्हू 200 दी बेच के तू कमे मेरी नमाज दा टाइम हो रहा है, कायनात दा रब ते वेख रहा है। ओए बदबख्ता, एक सैड से रोजे रखी जा रहे हैं और दूजी सैड से लोगों का कतले आम करी जा रहे हैं, एक सैड से रोजे रखी जा रहे हैं दूजी सैड से लोगों का खून चूसी जा रहे हैं। रोजे का मकसद ए वे ला अल्लाह कुम तत्तकून, ताके तुसी तकवे वाले बन जाओ, तुसी परहेदगार बन जाओ। अल्लाह फरमांदे ने अय्याम मअदूदात, गिनती चंद दिन ने, 29 दिन ने या 30 दिन ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह जेड़ा बंदा साल बाद भी इस रमजान मुबारक की कदर नहीं करता, 29 या 30 दिन अल्लाह दे सामने आके नहीं झुकदा, जेड़ा बंदा साल बाद भी रमजान दे रोजे नहीं रखता, उन्दे बारे मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की फरमान है। एक दिन मेरे आका मस्जिद दे नबी दे अंदर तशरीफ लेके आए, मेरे पैगंबर ने मिंबर दी पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, आका ने जबाने नबूवत चो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया जबाने नबूवत चो आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया जबाने नबूवत तो आमीन फरमाया। सहाबा हैरान हो सजदर ने अल्लाह दे
नबी अगे रोजाना ही तुसी मस्जिद दे अंदर तशरीफ ले आउंदे हो, रोजाना सानू आके खुतबे इरशाद फरमांदे हो, रोजाना सानू वाज़ो नसीहत करदे हो, लेकिन अगे कदी भी इंज नहीं होया। अज तुसी मिंबर दियां तिना सीढ़ियां ते कदम रखिया ते तिना मरतबा तुसी आमीन दा लफ्ज़ दोहराया। आका इहदे अंदर राज की है? आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, जिस वक्त मैं पहली सीढ़ी दे उते कदम रखिया, जिबरीले अमीन मेरे को आए, आके कहिंदे ने सोनिया ओ बंदा जेड़ा तुहाडा नाम सुन के तुहाडे नाम ते दुरूद नहीं पढ़दा, ऐसे बदबख्त दे उते अल्लाह दी लानत है। ते मैं आखिया आमीन, अजिदे ते रब दी लानत है, ओदे ते मैं मुहम्मद दी वी लानत है, ओ काड़विया ओ ते उम्मती नहीं जेड़ा पैगंबर दा नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़दा। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमांदे ने जिस वक्त मैं दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, जिबरील फरमांदे ने सोनिया ओ बंदा जिन्हें अपनी जिंदगी दे अंदर अपने बुढ़े माँ बाप नू पा लिया, अपनी माँ या बाप नू पा लिया, फिर उन्हां दी खिदमत करके रब दे कोलों जन्नत हासिल नहीं करदा, ऐसे बदबख्त दे उते भी अल्लाह दी लानत है। ओ नौजवान, जे रब ने माँ बाप जैसी अजीम नेमत नाल माला माल कीता है, इन्हां दियां खिदमतां करिया कर, इन्हां दे कोलों दुआवां लिया कर, 70 वली इक पासे बह के दुआ करन, तेरी बुढ़ली ते कमली जी मां इक पासे बह के दुआ करे, अल्लाह 70 वलियां दी दुआ तो पहले तेरी मां दी दुआ नूं कबूल कर लैंदे ने। जहान दे अंदर सब तो वड्डा वली अल्लाह ने तेरा बाप बना दिता है, मापियां दी खिदमत करिया कर, मापियां नूं नाराज ना करिया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, जिबरील फरमांदे ने सोनिया ओ बंदा जेड़ा अपने मापियां दी इज्जत नहीं करदा, ऐसे बदबख्त दे उते अल्लाह दी लानत है। ते मैं आखिया आमीन, जिदे ते रब दी लानत है ओदे ते मेरी भी लानत है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तीसरे नंबर ते मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा, जिस वक्त मैं तीसरी सीढ़ी दे उते कदम रखिया, जिबरील आंदे ने सोनिया ओ बंदा जेड़ा रमजान उल मुबारक दा महीना हासिल कर लैंदा है, इंदी जिंदगी अंदर अल्लाह ने उन्हों रमजान दा महीना नसीब फरमा दिता, ते फिर अल्लाह नू राजी करके रब कोलों जन्नत हासिल नहीं करदा, ऐसे बदबख्त दे उते भी अल्लाह दी लानत है। जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर रमजान दा महीना आ गया, लेकिन जिन्ने रमजान दी फिर भी कदर ना कीती, ओ जो 11 महीने करदा है इहदे नजदीक रमजान दा महीना आ महीनियां दी तरह है। ना ना ना, रमजान दा महीना ते अल्लाह ने स्पेशल तोहफा बना दिता है, रमजान दा महीना ते अल्लाह ने स्पेशल मोमिनीन वास्ते तोहफा बना दिता है। आका फरमांदे ने जिस वक्त रमजान दा चढ़ जाता है, इस वक्त रमजान उल मुबारक का चंद वाजे हो जाता है, अल्लाह जन्नतां दे दरवाजे खोल देंदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह, जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते जाते ने। ते अल्लाह फरमाते ने, मेरे ओ फरिश्तियो, मेरी जन्नत नूं तैयार कर दो, जन्नत नूं और ज्यादा खूबसूरत ते मुजय्यन कर दियो। अल्लाह कादे वास्ते फरमाया, मेरे रोजेदार बंदिया वास्ते जेड़े सारी दाड़ी दिहाड़ी मैनू राजी रखन वास्ते भुखे ते प्यासे रहिंदे ने, उन्हां खुश नसीबां वास्ते जन्नत तैयार कर देवो। आका फरमांदे ने, शैताना नूं जगड़ दिता जांदा है, शैताना नूं गिरफ्तार कर दिता जांदा है, जे बंदा पूरा साल बहाना लगा सकदा है कि मैनू शैतान नमाज नहीं पढ़न देंदा, शैतान दा मेरे उत्ते गलबा है। ओ सोहणिया, रमजान दा महीना ते अल्लाह शैताना नूं भी जगड़ देंदे ने, हुण की बहाना ना लगाएगा, हुण किवें अल्लाह दियां नाफरमानियां करेगा। उदों ते शैतान तेनूं नमाज पढ़न तो रोकदा सी, जे तू फिर भी नमाज ना पढ़े गोया तू खुद शैतान दा किरदार अदा कर रहा है, जे तू फिर भी रोजे ना रखे गोया तू खुद शैतान दा किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ खुश नसीबो, खुश हो जाओ, अल्लाह ने रमजान उल मुबारक दियां मौजां फिर सानू नसीब फरमाइयां। अल्लाह अकबर अल्लाह।
ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਨੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰ ਲੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾ ਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮੋਮਿਨ ਸਾਰੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਐ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਿਆਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗਲਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯਾਮਮ ਮਅਦੂਦਾਤ ਥੱਕਿਆ ਜੇ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਜ਼ੇਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਥਕਾਵਟਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਅਯਾਮਮ ਮਅਦੂਦਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਈ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪੰਜ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਪੜਦੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਆਖੋ ਅਸਤਗਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨਾ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਓਏ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਦਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਰ
رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فرمایا رمضان دے مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور رمضان بھی آلائے تے بولو قرآن بھی آلائے اللہ اکبر اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سینے لایا کلام خدا نو جنا سینے لایا او نالے رحمت ہزاراں اللہ اکبر اللہ فرمایا رمضان دے مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے اللہ فرمان دے نے فامان شاہد منکم الشہر فلیصمہ تے جندی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ گیا اونوں چاہیدا اے کہ رمضان دے روزے رکھے رمضان دے روزے چھڈنے نہیں چاہیدے ہر بالغ تے عاقل دے اوتے اللہ نے رمضان دے روزے فرض کر دتے نے اور دو بندیاں نوں صرف اللہ دے قرآن نے رخصت دتی اے عورت نوں تے رخصت دتی اے جس وقت عورت دے مخصوص ایام آ جان لیکن بندیاں نوں صرف دو بندیاں نوں رخصت اے اللہ فرماندے نے فمن کان مریضن او علی سفرن ایک بندہ مریض ہے روزہ نبھا نہیں سکدا بیماری دی وجہ تو روزہ رکھنا ان دے واسطے مشکل ہے وہ بندہ روزہ چھڈ سکدا ہے او علی سفرن یا سفر تے جا رہے آئے سفر بھی کوئی چھوٹا جیا سفر نہیں اے نہ ہوئے بندہ ایتھوں نہر دے پل تے جانا ہوئے تے بندہ کہے میں روزہ چھڈ دیا نا 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 ایسا سفر جس سفر دی وجہ تو مشکلات پیش آن پتا ہے کہ سفر بڑا زیادہ لمبا ہے پھر روزہ چھڈ سکدا ہے اور اے تو ذکر میرے پیغمبر نے فرمایا ایک مسافر اگر سفر تے جا رہا ہے تے رستے دے اندروں نے روزہ رکھیا ہے جتھے اونوں مشکل پیش آئے کہ ہن حالے میرا سفر بھی بڑا لمبا موجود ہے تے حالے افطاری دے اندر بھی وقت موجود ہے اونوں چاہیدا اے وے سفر دے اندر روزہ افطار کر لوے کیوں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تواڈے نال تنگی دا ارادہ نہیں کردا میرے مالک نے تواڈے واسطے آسانیاں رکھ دتیاں نے رمضان دے مہینے اندر اگر سفر کرن واسطے جا رہے ہے تے پھر روزہ چھڈ دے وے یا مریض ہے تے روزہ چھڈ دے وے لیکن سال دے باقی دنوں دے اندر روزیاں نو رکھ کے پورا کر لینا ہے اللہ اکبر اللہ اے جے میرے مالک دیاں قدرتاں اے جے میرے مالک دیاں رحمتاں او سونیا رمضان دا مہینہ ہن بندہ ایتھے کئی بندے نے بڑے بہانے لاون دے نے او جی ساڈا جیڑا کام ہے
सारी दिहाड़ी अग अगे बैठना, सारी दिहाड़ी असी फलां काम करना हुंदा, सारी दिहाड़ी साडा काम जेड़ा बड़ा हाई लैवल दा है, साडे कोल रोजा निभाया नहीं जांदा। और रोजा नाम ही इस चीज दा है, बंदा अपने आप नूं जरा मुश्किल दे अंदर पा के वेखे ते सही। और सारा साल जे सारा दिन खांदा रहिना है, एक महीना रब वास्ते छड़ के वेख ते सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक महीना रब वास्ते सुबह तो शाम तो लैके सुबह तो लैके शाम तक भुखिया प्यासिया रह के वेखते सही। और तेनू पता ही नहीं तेरे मालक ने तेरे वास्ते कितना अजरो सवाब रख दिता है। अल्लाह ने कितों तिकर फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने असौमुली व आना अजजी इबी। ओए लोगो, हर अमल दा मैं अजर दस दिता है, निमाज पढ़ोगे तुहानू ए मिलेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह जकात देवोगे तुहानू ए मिलेगा, फलां ने कीदा काम करोगे अल्लाह बदले अंदर तुहानू ए अता करेगा। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत मेरे रब ने बना दिता है, रोजा एक ऐसी अल्लाह जलाल बली कराम दी नेमत है। अल्लाह फरमांदे ने रोजे दा अजर मैं हाले किसे नू दसिया ही कोई नहीं, रोजा रख मेरे वास्ते तेनू मैं ही अजर अता करांगा। वेखो मिसाल दे तौर ते बंदा निमाज पढ़ रहा है ना, नजर आ जाता है, आओ वेखो सामने बंदा निमाज पढ़ रहा है, बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर रहा होवे नजर आ जाता है, आओ वेखो बंदा मस्जिद दे गले अंदर पैसे पा रहा है, कोई नेकी दा काम कर रहा होवे नजर आंदा है। और रोजा एक ऐसी इबादत है, रोजा नजर ही नहीं आंदा, पता ही नहीं कैसे बंदे ने रोजा रखा है या नहीं रखा। इस करके जे दिल दे अंदर रोजा है, इंदा अजर सवाब भी कायनात रब ने कितना रखिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत दे जेड़े आठ दरवाजे बनाए ने सुभान अल्लाह, उन्हां दे अंदरों एक दरवाजा जिस दरवाजे दा नाम अल्लाह ने बाबू रैयान रख दिता है। अल्लाह फरमांदे ने ये दरवाजा सिर्फ स्पेशल जन्नतियां वास्ते खोलिया जाएगा, सिर्फ इनदे अंदरों गुजरांगे ते सिर्फ रोजेदार गुजरनगे, रोजेदारां तो इलावा उस दरवाजे दे अंदरों कोई भी नहीं गुजरेगा। यानी जन्नत दे आठ दरवाजियां चों एक दरवाजा कायनात दे रब ने रोजेदारां वास्ते मखसूस कर दिता है। यार कैसा खुश नसीब वो बंदा है जेड़ा सुबह तो लैके शाम तक अल्लाह दी रजा वास्ते अल्लाह नूं राजी करन वास्ते अपना खाना पीना छड्ड देंदा है। असर दा टाइम हो जावे ते बंदा महसूस करके वेख लिया जे असर दा टाइम हो जाए ना, अफतारी दा वक्त करीब हो जाए, बंदे दे मुंह दे अंदरों हल्की हल्की बदबू आनी शुरू हो जांदी है, हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जांदा है। अरशां वालिया रब्बा बदबू आन लग पई है, लोकी की कहणगे। अल्लाह फरमांदे ने मेरा बंदा ना परेशान हो, लोगां दे नज़दीक ते ए बदबू होए लेकिन एदी कदरो कीमत अगर तू मेरे कोलों पुछे, इहदी जिहड़ी जायका है इहदी जिहड़ी खुशबू है मेरे नजदीक अंबर ते कसूरी नालों भी ज्यादा है। ना परेशान हो मेरा बंदा, तू रोजा रखे आए ते मैं तेनू जहन्नम दी अग तो आजाद कर देंगा। सुनन इब्ने माजा दी सही रवायत है, आमिना दे लाल इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने इफ्तारी दा टाइम होए ते रोजाना अल्लाह दे कोलों दुआ करया करो। ओए थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के खाना सामने पिया होवे अपने रब दे कोलों दुआ करया करो। आका फरमांदे ने अल्लाह रोजाना एक लख बंदे नू इफ्तारी टाइम जहन्नम तो आजाद कर देंदे ने। ओए दुआ करया कर किते अल्लाह उहना खुश नसीबां दे अंदरों साडा नंबर भी लगा देवे। अफतारी टाइम दुआ करिया कर, सहरी टाइम उठ के दुआ करिया कर, दुआवां करनिया शुरू कर दे। अल्लाह ने ये रमजान दा महीना बड़ा ही आली बना दिता है, आम दिनां दे अंदर नेकी करेगा, एक नेकी दे बदले अल्लाह तेनू दस नेकियां अता करेगा। रमजान दे अंदर एक नेकी करेगा, एक नेकी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया दस तो लैके सत्तर तक और सत्तर तो लैके 700 तक अल्लाह ताला तेनू नेकियां दा मालिक बना देगा। एक नेकी कर अल्लाह 700 नेकी दा सवाब अता करे। वो इस तो वड्डा भी कोई और इनाम चाहिए? कितना बड़ा एजाज है अल्लाह दा ए माहे रमजान।
सुभान अल्लाह। और खुश नसीब कौन है? उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगों, खुश हो जाओ, इस माहे मुबारक की कदर करो। बड़े बड़े लोग देखे ने रमजान के अंदर भी गालियां तो बाज नहीं आते। पिछले रमजान मैनू अच्छी तरह याद है, मैनू वो वाकया नहीं भुल सकता। रमजान का दूसरा जुमा मैं लाहौरों आ रहा, रस्ते अंदर एक बदबख्त बैठा, गड्डी वालियां नू उची उची गंदियां मावां भैणां दियां गालियां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। गड्डी तेज चला, मैं हे लेट हो रहा। मैं उठ के आख्या, मैं कहा भाई जान ठीक है, गड्डी आस्ता चला रहा है, असी भी तेरे नाल मुसाफर हाँ, तेरी मेहरबानी जरा जबान नू कंट्रोल कर। ते मैनू भला की आंदा, अंदर रमजान होएगा अपनी जगह ते। अल्फाज सुनो, रमजान होएगा अपनी जगह ते, मैनू सिर्फ अपने नाल करा से। ऐसे बदबखत भी दुनिया ते है ने, रमजान का हया करते नहीं। ते अल्लाह की आंदे ने, ओ रमजान का चन्न चढ़ गया ही। या बागी अशर अकसर, और सारा साल गुनाह करन वाले हुनी गुनाह तो बाद आ जा, सारा साल चोरियां करन वाले हुनी चोरियां तो बाद आ जा, सारा साल तू झूठ बोलन वाले हुनी झूठ तो बाद आ जा, सारा साल लोगों के नाल जुलम करन वाले रमजान का महीना मैं तेरे वास्ते बना दिता है, हुनी जुलम तो बाद आ जा। और सारा साल अल्लाह दिया नाफरमानियां करन वाले हुनी अल्लाह दिया नाफरमानियां तो बाद आ जा। ते नेक लोगों नू पला रब की आंदा है, वा या बागी अल खैर अकबिल। ओए नेका, ओ मेरे बंदिया, सारा साल नमाजा पढ़िया ने, सारा साल तू मैनू राधी करन दी कोशिश कीती है, हुण रमजान दा महीना आ गया, होर ज्यादा नेकियां कर, होर ज्यादा अपने अल्लाह नू मना। अल्लाह अकबर अल्लाह। पिछली राती रहमत रब दी, पिछली राती रहमत रब दी, अल्लाह सानू तहज्जुद दी नमाज पढ़न दी भी तौफीक अता फरमा दे। कह दियो आमीन। पिछली राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाज ऐ मंगन वालिया कारण खुला, ऐ मंगन वालिया कारण खुला, उस दाता दा दरवाजा। अल्लाह फरमांदे ने, रमजान दा महीना मैं तेरे वास्ते बना दिता है, जा तेरे वास्ते जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते ने, तेरे वास्ते जन्नत दे दरवाजे मैं खोल दिते ने, तेरे वास्ते मैं शैताना नू भी जकड़ दिता है, हर नेकी दा अजर सवाब मैं कई गुना ज्यादा कर दिता है, रोजे रख के मैनू मना ले, रोजे रख के मनाना तेरा काम है, तेरे वास्ते रहमतां दे खजानियां दे मुँह खोल देना मैं अर्श वाले रब दा काम है। आओ दरा अगे रोजे ते थोड़ी जी तवज्जो दे लो, रोजे दे मुतल्लिक कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी तो गल शुरू करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहरी खानी चाहिए है, बगैर सहरी तो रोजा नहीं रखना चाहिए, भावें थोड़ी सहरी खाओ, दो चार लुकमे लाओ। तुहानू पता है, अच्छा कई बंदे अफतारी टाइम माशाला इन्ना पेट भर के खा लेंदे ने, फिर हस्पतालां दी जाके जीनत बनते ने, हैजा हो गया, पेट खराब हो गया। ओए जरा अल्लाह दियां नेमतां ने जरा सबर शुक्र दे नाल खाओ, कायनात दा रब बड़ा ज्यादा देने वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह। रात नो खाली पेट सो जाओ, सुबह उठ के अच्छे तरीके नाल टका के सहरी करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहरी करिया करो, क्योंकि सहरी दे खाने दे अंदर कायनात दे रब ने बरकत रख दी है, बरकत हासिल करिया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुण अगे रोजा सुबह तो लैके शाम तक, शाम के दौरान असी केड़े केड़े काम कर सकते, अपने दिलो दिमाग दिया तख्तियां ते मुनक्किस कर लिया जे, केड़ी चीज नाल रोजा टुट जाएगा, केड़ी चीज नाल तुहाडा रोजा बरकरार रहेगा। अच्छा कई कई साल हो गए ने माशाला रोजे रखदियां नू, लेकिन सच्ची बात पला की है, रोजियां दे मुतल्लिक मसाइल दा बहुत घट इलम है कि रोजा किस चीज नाल टुटदा है ते रोजा किस चीज दे नाल बरकरार रहिंदा है। जरा पैगंबर दी ज़ात ते दुरूद पढ़ लो, जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमा दे ने हुंदरा ना बाद लोग जेड़े ने वो बड़े मुफ्तियान हुंदे ने, बड़े ज्यादा फतवे छड़ी जानगे। मैनू याद है आज तो कुछ 4 साल पहले ना मैं गोजरे दे इलाके अंदर तरावियां पढ़ाउन गया ते मैं मसला बयान किया कि लोगो नहान दे नाल रोज़ा जेड़ा है नहीं टुटदा, नहा लेना चाहिए पैगंबर दे अमल तो साबित है। ते गर्मी दे दिन जून दा महीना जुलाई दा महीना तुहानू पता है गर्मी कड़ाके दी, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते करीब एक टूवल सी, असी टूवल ते नहाउन चले जाना ते बड़ा ज्यादा उत्थे रश होना ते वारी वारी सारिआं दा नंबर लगना। एक दिन असी नहाउन वास्ते गए ते टूवल ते रश ही कोई नहीं, असी बड़े ज्यादा खुश होए कि अज रश ही कोई नहीं। ते एक साथी कोलों सवाल किया मैं कहा जी तुसीं अज नहाउन वास्ते नहीं आए टूवल ते, कहन लगा साढ़े मौली साहब ने मसला बयान किया जेड़ा बंदा रोजे नहा के नहाएगा उनका रोजा है टुट जाएगा। किवें? पहले सिर च पानी पेगा, सिर चो गले च चल जाएगा, गले चो मेदे च चलेगा ते मेदे च पानी गया तो रोजा टुट गया। सुबहान अल्लाह, मैं तेरी मंतक तो सदके जावा, सुबहान अल्लाह। पैगंबर का यह अमल नहीं, प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहान दे नाल रोज़ा नहीं टुटेगा। हत्ता के मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम ने गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो गिला कपड़ा अपने सर दे उपर रखिया हुंदा सी, उस कपड़े चो पानी दे कतरे जमीन ते गिर रहे हुंदे, इस तो मुराद है ठंडक हासिल करन दे नाल रोज़ा नहीं टुटेगा, सुरमा लगान दे नाल रोज़ा नहीं टुटेगा, सरसों का तेल लगा लो रोज़ा नहीं टुटेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह, मिसवाक करन दे नाल रोजा नहीं टुटेगा। कई बड़े मुफ्ती ने अहे मिसवाक करना रोजा टुट जाएगा, सहाबी रसूल बयान करता है कि मैं अल्लाह दे नबी नो रोजा रख के कई वरी मिसवाक कर दिया वेखिया है, मिसवाक दे नाल रोजा नहीं टुटेगा। अगर खुद बा खुद उल्टी आ जाए कह आ जाए उहदे नाल रोजा नहीं टुटेगा, लेकिन अगर बंदा जानबूझ के उल्टी करेगा उहदे नाल रोजा टुट जाएगा। अगर कोई बीमार है बीमारी दी हालत दे अंदर ताकत दा टीका लगवाना उंदे नाल रोजा टुट जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, औरत हसबे जायका हांडी दा जायका चक सकदी है, लेकिन बाद रिवायत अंदर ए है कि ए ओ औरत चक सकदी है जिदा खावंद कपत्ता है, इनू पता है कि जे मेरे कोल लून मिर्च वध हो गई ते खावंद ने ते मैनू छड़ना कोई नहीं, इस करके जबान नाल चक के फिर अगे निकलना नहीं बाहर ही थुक देना है। अल्लाह अकबर अल्लाह, इन्हां चीज़ां दे नाल रोज़ा बरकरार रहेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, और जेड़ा बंदा जानबूझ के रोज़ा नहीं रखदा, जेड़ा बंदा जानबूझ के ताकत भी है अल्लाह ने उन्हों जवानियां भी अता कीतियां ने, और तेरी जवानी दा की फायदा जे तू एक महीने बाद भी रोज़ा ना रखे, दस तेरिया सेहतां दा की फायदा। जाओ दुनिया के साइंसदान कहिंदे ने अगर कोई बंदा सेहत बनानी चाहता है उन्हों चाहिदा है कि रोज़े रखे। अल्लाह अकबर अल्लाह, और रोजा रखन दे नाल अल्लाह कई किस्म दियां बीमारियां तो दूर कर देगा। ओए होर रोजे दा फायदा होवे भला ना होवे, रोजे दा एक फायदा ए भी है दोपहर दी तुहाडी रोटी भी बच जाएगी, रोजे दा एक फायदा ए भी है। अल्लाह अकबर अल्लाह, अफतारी टाइम जिन्नी मर्जी भुख लगी होवे 2 गिलास पानी दे नाल बंदा रज जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह, आओ जरा पहले मैं दसा अफतारी करन वाला अफतारी करौन वाला सुबहान अल्लाह। आका ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे रोजेदार नू अफतारी करौंदा है, जेड़ा बंदा किसे रोजेदार नू अफतारी दी दावत देंदा है उनू इन्ना ही अजर सवाब मिलेगा जिवें उन्हें सारा दिन अल्लाह दी रजा वास्ते रोजा रखिया है। इस करके रोजा अब किसी नूं खलवाण खलवाओगे ना इंशाल्लाह, हुण कई हस पै कई हस पै सुभान, रोजा खलवाना ओए बड़ा बेहतरीन अमल है। मैनू याद आया मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हो उनके घर के अंदर मेरे पैगंबर अलैहि सलाम गए ने, मेरे पैगंबर ने रोज़ा इफ्तार किया, रोज़ा इफ्तार करन दा नाल बाद मेरे पैगंबर ने अफतारी अंदर खाना की है खजूरां या सुके छुहारे मेरे पैगंबर अलैहि सलाम की सुन्नत है, या पानी दे नाल रोज़ा खोलना मेरे पैगंबर की सुन्नत है। मेरे पैगंबर ने
हजरत साद दे घर दे अंदर अफतारी की है। अफतारी मेरे पैगंबर ने खजूरां दे नाल की है। नाल मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ साद तू रोजेदारा नू अफतारी करवाई है, तू जानदा नहीं अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते तेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ कर दे पैने। सुभान अल्लाह, जेड़ा किसे नू अफतारी करवांदा है ओंदे वास्ते कायनात दे रब दे फरिश्ते दुआवां कर दे ने। और जेड़ा बंदा जान बुझ के रोजा नहीं रखदा, और मेरे मजमे दे अंदर अगर कोई ऐसा बंदा है बीमार नहीं है या कोई बंदा मुसाफर नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्हें जान बुझ के रोजा छड़िया है, मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दी कितनी सख्त वईद है। आका फरमांदे ने एक दिन मैं रात ख्वाब दे अंदर सुता ते ख्वाब दे अंदर मैं वेखिया मैनू दो फरिश्तियां ने आके उठाया, आके कहंदे ने ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल जरा साडे नाल चलना। मैनू लैके गए एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उहदे करीब जाके मैनू खड़ा कर दिता। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी इहदे उत्ते चढ़ो, ते मैं आखिया ओ मेरे को नहीं चढ़िया जाना इहदे उत्ते। आंदे ने अल्लाह दे नबी असीं तुहाडे वास्ते आसानी कर देने आं। सियाबा अल्लाह दे नबी ने फरमाया उन्होंने मैनू पकड़िया मेरे नाल आसानी करके मैनू पहाड़ दे उत्ते चढ़ा दिता। जिस वक्त मैं पहाड़ दे उपर चढ़िया पहाड़ दी परली सैड तो आवाज़ा आ रही ने, बड़िया खौफनाक आवाज़ा आ रही, तो मैं आख्या है बदबख्त बंदे कौन ने जिन्हों दड़िया खौफनाक आवाज़ा ने, तो मैनू दसिया गया ये जहनवी ने। थोड़ा जहा अगे जिस वक्त मैनू ले जाया गया मैनू उन्होंने शक्लां दिखाइया गई, उन्हां दीआं इंज बराछां चीरियां जा रही ने, उन्हां दे मूंह लोहे दीआं कैंचियां दे नाल चीरे जा रहे ने, और उन्हां दे मूंहां दे अंदरों खून दे फवारे बाहर निकल रहे ने, खून बड़ा ज्यादा कसरत दे नाल निकल रहा है। मेरे पैगंबर नूं दसिया गया ऐ तेरी उम्मत दे ओ बदबख्त लोग ने जेड़े अफतारी तो पहले ही रोजा अफतार कर लेंदे सी, जेड़े रोजा तोड़ दिया करदे सी। मैं मुहब्बत दे नाल एक सवाल करना चाहना, जेड़ा अफतारी तो पहले रोजा खो लेंदा सी उन्दा इतना सख्त अंजाम है, ते जेड़ा रोजा रखदा ही नहीं उन्दा अंजाम कितना सख्त होएगा। अफतारी तो पहले रोजा अफतार करने वाले दा इतना सख्त अंजाम, ते जेड़ा बदबख्त रोजा रखदा ही नहीं उन्दा सोचो सही अल्लाह दे हां कितना सख्त उन्दा अंजाम होएगा। अल्लाह सानू सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, कह दियो आमीन। और जाग दिला रमजान मुबारक मुड़ सर तेरे ते आया, जाग दिला रमजान मुबारक मुड़ सर तेरे ते आया, के इस दी खिदमत कारण है समान बनाया, मोमिन लई रमजान प्यारा, मोमिन लई रमजान प्यारा, ते चन खुशियां दा चढ़िया, बेदीना बे समझां दे वल मुड़ आन स्यापा वड़िया, साल पिछों तशरीफ ले आया, साल पिछों तशरीफ ले आया, ए रमजान महीना जो नहीं इस दी इज्जत करदा, जो नहीं इस दी इज्जत करदा वो है बेसमझ कमीना। ऐ मोमिन तू रख ले रोजा, अल्लाह सानू सारिया नू मोमिन बना दे। ऐ मोमिन तू रख ले रोजा जो तेनू पहुंचाया, साल पिछों रमजान प्यारा, साल पिछों रमजान प्यारा, फिर नाल नसीबा आया।
जरा नजर मार के वेख किन्ने साडे ऐसे प्यारे ने जेड़े पिछले साल है सी लेकिन इस साल अल्लाह दे कोल चले गए ने। अल्लाह दी ज़ादा शुक्रिया अदा कर तेनू मालक ने एक और रमजान का महीना नसीब फरमा दिता है। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ मैं आखिरी बातें करा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान। इस रमजान दे महीने अंदर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया और रमजान भी आला ते बोलो कुरान भी आला है। रमजान भी आला है ते कुरान भी आला है। ज्यादा वक्त ना होवे तेरे कोल ते एक दिन दे अंदर कम से कम दस मिनट कुरान दी तिलावत करया कर। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह दे बारे मैं सीरत बुखारी अंदर पढ़िया है एक रमजान दे अंदर 41 मरतबा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करया कर दे। एक रमजान दे अंदर 41 मरतबा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करन वाला इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह तआला कुरान दे नाल प्यार कर कुरान मुहब्बत दे नाल सुनया कर। तरावियां दे अंदर थकन महसूस ना करया कर शौक नाल कुरान सुनया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया मन काम रमजान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे रखदा है जेड़ा बंदा रातां नूं क़याम करदा है जेड़ा बंदा क़यामुल लैल करदा है जेड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा नूं राज़ी करन वास्ते रब नूं अल्लाहु अकबर अल्लाह तरावियां दा इहतमाम करदा है तरावियां पढ़दा या पढ़ाउंदा है। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह ऐसे खुश नसीब दे पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह वाह बरकता माहे रमजान दिया। ऐ मेरे आखिरी इशार ने इंशाल्लाह इस तो बाद जुमा खत्म हो जाएगा जरा मोहब्बत नाल प्यार नाल वाह बरकता माहे रमजान दिया सोने अल्लाह दे मेहमान दिया ए ते रहमत दा महीना आए ए ते रहमत दा महीना आए ए ते बख्शिश दा खजीना आए रुत्तां आ गईयां रब नूं मनान दियां रुत्तां आ गईयां रब नूं मनान दियां वावा रौनक माहे रमजान दियां दिल मोमिना दे नूर नूर होए दिल मोमिना दे नूर नूर होए विच खुशियां दे मसरूर होए सुन सुन के आए ता कुरान दियां सुन सुन के आए ता कुरान दियां वावा रौनक माहे रमजान दियां औ किते सहरी किते अफतारी ए सुभान अल्लाह। ओए अफतारियां करो करवावो ओ सहरियां करो करवावो आपस दे अंदर भला की हुंदा माल घटदा नहीं बल्कि अल्लाह आपस दे अंदर दिलां दे अंदर मुहब्बत पैदा करदा है। अल्लाह अजर ओ सवाब नाल माला माल कर देंदा है किते सहरी किते अफतारी ए हर पासे ही जन्नत तैयारी ए हर पासे ही जन्नत तैयारी ए रावा खुलियां ने जन्नत जान दिया वावा रौनक माहे रमजान दिया हुंदी रोज आम मुनादी ए हुंदी रोज आम मुनादी ए ले लो जहन्नम कोलों आजादी ए रातां आ गईयां रब नूं मनान दियां रातां आ गईयां रब नूं मनान दियां वावा रौनक माहे रमजान दियां रख रोजा ते कर लै क़याम तूं
पता नहीं क्यों इन्ने ढिले हो। ओए कुरान सुन के रमजान दे महीने अंदर रख रोजा ते कर लैके आम तू, रख रोजा ते कर लैके आम तू, रज रज के पढ़ लै कुरान तू, रहमता रब दिया ठाठा मार दिया, वावा रौनक माहे रमजान दिया। अल्लाह जिस तरह सानू रमजान उल मुबारक का हक अदा करना चाहिदा है, अल्लाह सानू इस तरह रमजान उल मुबारक का हक अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।